Hello everybody, my name is Praveen and I welcome you at Bahuva Study Center and free online coaching. इस लेक्चर में हम बेसिकली स्टिंग वेव के बारे में जो एससी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है उसको स्टडी करने जा रहे हैं और अभी तक मैंने आपको स्टिंग वेव का पूरा लेक्चर जो है जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको उसके लेक्चर को पूरे फुल पार्ट को मैं अपलोड कर दिया हूँ और जो आपको एससी वर्मा के जो स्टिंग वेव के जो 1 से लेकर के 14 तक है उन सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया गया है और अभी थ्योरी में मैं बेसिकली आपको साउंड वेव जो है साउंड वेव का 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली बीट्स पे होगा, ऑर्गन पाइप पे होगा और स्टैंडिंग वेव पे होगा और इसके साथ ही मतलब उस वो फाइनल लेक्चर होगा साउंड वेव की थ्योरी पे। ओके गाइज, और आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियोस के बारे में पता चले तो आप मेरे जो चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग या फिर भगवान स्टडी सेंटर, फ्री ऑनलाइन कोचिंग या फिर भगवान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड लीनियर मास डेंसिटी 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड इज केप्ट अंडर अ टेंशन ऑफ 16 न्यूटन। ओके, इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, लाइक इसमें क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इसका लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है। ओके, और ये दिया हुआ है कि जो स्ट्रिंग है वो दोनों एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे फिक्स्ड है। ये ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इसका जो दोनों एंड पर फिक्स्ड है और उसमें दिया है जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में वो 16 न्यूटन का है। ओके गाइस, तो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली टेंशन है तो टेंशन की वजह से इसमें क्या होगा, आपको जो हम जब भी हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे वो ट्रेवल करेगा। ओके, डिस्टरबेंस को ट्रेवल करने के लिए स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए। तो अब दिया गया है कि अ वेव पल्स इज प्रोड्यूस एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नियर एंड एंड एज शोन इन फिगर। मतलब यहाँ पर एक इस एंड पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है और ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे किया गया है। तो फिर ये पूछा गया है क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन विल द स्ट्रिंग हैव द शेप शोन इन फिगर अगेन। ये जो शेप है या इस टाइप का जो शेप है वो कब होगा। ओके, तो देखिए बेसिकली होगा क्या कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग यहां से ये जो शेप है, ये जो डिस्टर्बेंस है, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा और कहां पहुंचेगा, यहां पे। ओके, ये जो डिस्टर्बेंस है कहां पहुंचेगा, यहां पे। और यहां पे जाने के बाद में ये जो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो शेप है वो क्या होगा, चेंज। स्ट्रिंग का जो शेप है वो हो जाएगा चेंज। रही बात क्यों चेंज होगा, व्हाई, तो इसके लिए एक जो सिंपल सा आंसर है कि आप हमारा जो लेक्चर है जिसमें मैंने अब वेव के रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया है उस लेक्चर को पढ़िए, देखिए। ओके, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ये चेंज क्यों होगा इस वीडियो में। ओके, तो अब ये जो यहां पर जाकर यहां इस जगह पर आएगा तो एक जो है दूसरा वेव प्रोड्यूस होगा और ये जो वेव होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। ओके, यहां पर आएगा तो एक दूसरा शेप प्रोड्यूस होगा, दूसरा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा और ये डिस्टरबेंस कुछ इस शेप में होगा और ये फिर से ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करने के बाद इस एंड पे आ जाएगा और इस एंड पे आने के बाद में यहां पे जो पहुंचेगा फिर से एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। मतलब यहां पर जो पहुंचेगा एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और जो जो नया शेप होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, वो जो होगा कुछ इस शेप का होगा। ओके गाइस, तो मतलब सबसे पहले यहां से यहां गया, यहां से जाने के बाद यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर के इधर ट्रेवल, इधर आया ये डिस्टरबेंस और इधर जो डिस्टरबेंस है ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन ट्रेवल करेगा, ये इस साइड पे पहुंचेगा, फिर से शेप चेंज होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सिंपल पूछा जाए कि व्हेन विल द स्ट्रिंग हैव द शेप शोन इन फिगर अगेन, तो आपको क्या करना होगा, आपको निकालना पड़ेगा यहां से इस एंड पे जाने में, मतलब इस यहां से इस एंड पे जाने में कितना टाइम लगेगा और प्लस रिटर्न होकर के यहां पे आने में कितना टाइम लगेगा।
ये जो टोटल टाइम कैलकुलेट कर देंगे, यहां पर ज्यों आएगा त्यों उसका सेट चेंज हो जाएगा। तो ये जो टोटल टाइम कैलकुलेट कर देंगे तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि यहां पर सेप क्यों चेंज होगा, ये जो सेप है ये सेप क्यों चेंज होगा। तो मैं इसको आप हिंट देने की कोशिश करता हूं। पहला चीज, पहला हिंट कि मैं ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, तो इसको यहां बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये हमारा एंड है जो फिक्स्ड है, और कलर चेंज किया जाए, और यहां पर ऐसे वेव आ रहा है। तो ये जो पार्टिकल है, यहाँ का जो पार्टिकल जो इस सपोर्ट से जो अटैच है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। आप समझ रहे हो? अच्छा, वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब ये वाला पार्टिकल, इससे जस्ट पहले वाला पार्टिकल, लाइक ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ये क्या होगा? ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो भाई वेव में क्या होती है, जो वेव की प्रॉपर्टी होती है कि जो आगे वाला पार्टिकल है ना, मान लो ये वाला पार्टिकल, वो हमेशा अपने से पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। अब बात समझ रहे हो? मतलब ये वाला पार्टिकल किसको फॉलो करने की कोशिश किया? इस वाले पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जो है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां पर है। तो ये भाई क्या, ये क्या बोलेगा? भैया कुछ देर बाद मेरा भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो? यहां पर हो जाए। ओके, तो भाई ये वाला आगे वाला पार्टिकल है और ये वाला इससे पहले वाला पार्टिकल, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, लेकिन ये डिस्प्लेस्ड होगा नहीं होगा? तो इसको डिस्प्लेसमेंट कौन रोकेगा? हु इज स्टॉपिंग? कौन रोकेगा इसको डिस्प्लेस्ड होने से? इसको डिस्प्लेस्ड होने से ये जो रिजिड सपोर्ट है ये रोकेगा। कौन रोकेगा? रिजिड सपोर्ट। इसको डिस्प्लेस होने से कौन रोकेगा? रिजिड सपोर्ट। ये रोकेगा कैसे? जो रिजिड सपोर्ट है इसको रोकेगा कैसे? ये रोकेगा इसको, अगर ये बोलेगा भैया मेरे को ऊपर जाना है, तो बोलेगा नहीं तू ऊपर मत जा, तू नीचे जा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको बोलेगा कि, ये बोलेगा कि मेरे को ऊपर जाना, बोलेगा नहीं तू नीचे जा, ऊपर जा ही ना। ये मूव करना चाहेगा, इसको मूव नहीं करने देगा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इस पार्टिकल पे मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये जो रिजिड वॉल है उस पर लगाएगा फोर्स, और इसके जस्ट अपोजिट में मतलब ये ऊपर जान जाएगा, तो ये बोलेगा भैया नहीं। लेकिन अब इस वाले पार्टिकल को क्या पता चलेगा? इस वाले पार्टिकल के लिए तो भैया इधर है, तो बोलेगा अरे तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या चल, ये क्या करेगा? ऑटोमेटिक नीचे चल जाएगा, और इस वजह से इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स। ओके, और ये देखो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, मतलब इस पार्टिकल पे दो वेव लग रहे हैं, एक इधर वाला वेव और एक जो दूसरा वेव है क्या, ये यहां पे ये जो क्रिएट कर रहा है। ओके, तो जो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव क्या बोलेगा पार्टिकल को? भैया तू ऊपर जा। सेकेंड वाला वेव क्या बोलेगा? नहीं भैया तू नीचे रह। वो क्या करेगा? जब मूव ही नहीं करेगा, जो ये रिजिड सपोर्ट चाहता है। ओके, तो रिफ्लेक्स, इस रिजिड सपोर्ट के बाद ये जो शेप होगा उसका चेंज हो जाएगा। और आपको और भी जानकारी, और भी डिटेल में इसको चाहिए, तो हमने जो लेक्चर बनाया था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का, अब उसको देखिएगा, स्टैंडिंग वेव के बारे में देखिएगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। मीशो पूछा है कि कितने टाइम बाद ये जो सेफ है फिर से मिलेगा? तो आप देखोगे तो कितना टाइम पहले, सबसे पहले तो ये वाला जो, ये जो पल्स है, जो डिस्टरबेंस है, ये दूसरे एंड पे जाएगा। दूसरे एंड पे जाने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये जो ये इन्वर्टेड हो जाएगा, फिर ये इस एंड पे आएगा, इस एंड पे जो पहुंचेगा वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर अपवर्ड आ जाएगा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल करना पड़ा
वो 20 सेंटीमीटर, और इधर कितना होगा रिटर्निंग के टाइम 20, मतलब 40 सेंटीमीटर जब ट्रेवल करेगा तो फिर से अगेन नया स्टेप में आ जाएगा। ओके, तो चलिए पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा आपको वेव की स्पीड निकालनी पड़ेगी। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड। तो अभी अब हम क्या निकालने जाते हैं, अब वेव की स्पीड निकालने जाते हैं। ओके, और वेव की स्पीड जो है हमने अभी जो स्टडी किया था वो बेसिकली क्या होती है, वी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई रो। तो हमें टी पता है, टी जो है 16 न्यूटन है, तो 16 डिवाइड बाई 0.4। और दो तीन चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, और ये क्या है ग्राम, जिसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी में 10 to the power -3 डिवाइड बाई योर पर सेंटीमीटर, तो हमें मीटर में कन्वर्ट कर 10 to the power -2। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो व्हाट वी गेट हियर, 16 by 0.4 into 10 to the power -1। ओके, रूट पूरा होल क्वांटिटी रूट में रहेगी, तो हमें क्या मिलेगा, 16 by 4 into 100 रूट। तो आप देखोगे ये आएगा 4 into 100, सो हियर वी गेट 20 meter per second, दिस विल बी द वेलोसिटी। ओके, तो हमें वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी 20 meter per second, और तो हमें टोटल जो लेंथ कवर करने वो 40 सेंटीमीटर कवर करने। ओके, मतलब यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां पर जाकर रिटर्न हो जाएगा, तो हमें अगेन नया सर मिल जाएगा। सो क्या होगा ये, तो हमें वी जो है, अगर हम 20 into t इज इक्वल टू 0.4, तो अगर दिस शुड बी इन मीटर, दिस शुड 0.4, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 4 into 10 to the power -1 डिवाइड 2 into 10 to the power 1, दैट विल बी 0.02 सेकेंड। ओके गाइस, तो चलिए हमने इसको, ये तो कैलकुलेट हो। ओके, दूसरा क्या है, स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट ए टाइम हाफ हाफ ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। तो मतलब बोल रहा है कि इसका जो जो टाइम आ रहा है उसके आधे टाइम में शेप ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा। तो आधे टाइम ऑब्वियस है, ये जो पल्स है वो यहां पर पहुंचेगा, और यहां पर जस्ट पहुंचेगा तो उसका शेप कुछ ऐसा। ओके ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, आपको जो हमने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, और इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर इट अमंग फ्रेंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।